अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर इज़ 5। चैप्टर नेम इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड नाउ टुडे माय टॉपिक इज़ प्लाज्मा। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की चौथी फॉर्म है प्लाज्मा स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम टीचिंग अबाउट द प्लाज्मा। ओके स्टूडेंट्स, प्लाज्मा टॉपिक इज़ योर पेज नंबर ऑफ 114 ऑफ योर बुक। 114 बुक का पेज नंबर है, वहाँ पे लिखा है प्लाज्मा। प्लाज्मा की हेडिंग है। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा जो है वो एक्चुअली एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम क्रूक्स। इसने आइडेंटिफाई की थी, फोर्थ स्टेट थी मैटर की, इसका इसका नाम दिया प्लाज्मा। के प्लाज्मा को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने। ओके, इसने ये कहा कि प्लाज्मा जो है वो एनर्जी की एडिशन से टू अ गैस, कि अगर एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो गैस प्रोड्यूस हो जाती है, इससे प्लाज्मा डिस्कवर होती है। ओके, तो एज अ रिजल्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लेफ्ट छोड़ देते हैं एटम्स को। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़कर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लें तो इससे आयोनाइजेशन हो जाती है। जैसे आसमान पर बिजली चमकती है बारिश में, तो क्या होता है कि एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आयोनाइजेशन होती है, यानी कि बिजली चमकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी प्लाज्मा की एक एग्जांपल है, आसमानी बिजली का चमकना। इफ प्लाज्मा लॉसेस हीट, अगर प्लाज्मा कुछ हीट को लॉस करती है तो आयन जो हैं विल रीफॉर्म इनटू अ गैस। तो आयन्स जो हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमिटिंग द एनर्जी विच हैड कास्ट देम टू आयोनाइज। ओके, तो प्लाज्मा की डेफिनेशन, प्लाज्मा को जो है विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया था। इसने ये कहा था कि अगर हम ये जो डिस्कवरी ऑफ एडिशन एनर्जी, यानी कि डिस्कवर एडिशन एनर्जी, एनर्जी को इसने ऐड कर दिया था गैस के अंदर, इससे जो है प्लाज्मा की फॉर्म डिस्कवर हुई थी। यानी कि जो इसमें क्या होता है, एटम्स, जैसे आसमानी बिजली चमकती है, एटम्स जो हैं, एटम्स पे से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे बिजली हमको चमकते हुए दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी प्लाज्मा की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आ जाएँ, देखें यहाँ पर आपको एक लैंप नज़र आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हैं? द आर्टिफिशियल, यानी कि जो हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स होते हैं, जैसे ये बल्ब है, इसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए नज़र आ रही है। इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड होकर आयोनाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा फॉर्म आ रही है। तो यूज़ ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले ऑफ टेलीविज़न, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमें लाइट्स नज़र आती हैं, वो प्लाज्मा की वजह से होंगी। प्लाज्मा लैम्प्स होते हैं, ओके, चिल्ड्रंस के टॉयज होते हैं, बच्चों के जो टॉयज होते हैं जिसमें लाइटिंग आपको नजर आती है ब्लिंकिंग करते हुए। रूम डेकोरेशंस, रूम्स में जो डेकोरेशन पीस लगाए जाते हैं लाइटों के, ये भी प्लाज्मा की एग्जांपल्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सो न्यूक्लियर, इफ यू वांट टू सी द गुड टाइप ऑफ वीडियोज, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपका ये बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूँ कि प्लाज्मा का क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है आपके बुक में। तो देखें, यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले हम इसको शॉर्ट में सर्च करते हैं, प्लाज्मा का क्वेश्चन कहाँ पे, प्लाज्मा का क्वेश्चन ये देखें, बी के शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन प्लाज्मा की डेफिनेशन बयान करें विद द डेली लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो ये आपका एग्जांपल्स के साथ यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी कि इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स आइडेंटिफाई द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय एडिंग एनर्जी टू अ गैस। गैस के अंदर एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें तो प्लाज्मा फॉर्म डिस्कवर हो जाती है। ओके, और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाँ, एग्जांपल्स की हेडिंग डाल के दो तीन एग्जांपल्स लिख दें। ओके, जैसे आप ये लिख दें, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर स्क्रीन्स आर द यूज़ ऑफ प्लाज्मा एग्जांपल्स। ओके, एक ये लिख दें और दूसरी एग्जांपल्स लिख दें कि रूम डेकोरेशन पीसेस, चिल्ड्रन टॉयज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लाज्मा, और इसके अलावा जो है फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स। ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।